हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल यूनिक तरीके की फालूदा सेवई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक बाउल ले लेना है और आपको अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 से 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है और उसमें पानी ऐड करके इस तरीके से जल्दी जल्दी से हमें मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स ना पड़े। तो 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पे आपको 1 से 2 कप पानी ऐड करना है। पानी की क्वांटिटी बिल्कुल ज़्यादा रखना है। जल्दी जल्दी से इसे मिक्स कर देंगे तो ये बिल्कुल बन चुका है। तो आप सिंपल जो फालूदा सेवई बनाएं तो बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम इसे बनाएंगे कलरफुल। तो यहाँ पे हमने ले लिए है रू अफ़ज़ा, तो इसमें डाल देंगे रू अफ़ज़ा। तो आपको बिल्कुल भी ऊपर से शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रू अफ़ज़ा में काफ़ी मिठास होती है। इसमें हमें हल्का गुलाबी कलर भी मिल जाएगा और इसमें मिठास भी आ जाएगी। और हम और ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा और डार्क कलर आए और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और दूसरी तरफ बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने एक पैन रख दिया है गैस पे और ये जो घोल बना के रेडी कर लिया है उसे डाल देंगे और जल्दी जल्दी से चम्मच चला देंगे ताकि तले में ये ना चिपके। और बिल्कुल जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है, नीचे की ये घोल ठीक होने लगा है और देखिए कितना ठीक हो गया है, बिल्कुल पारदर्शी दिखने लगा है। और इसे हमें अच्छे से पकाना है, ये अच्छे से ना पकेगा तो सेवई बिल्कुल टूटी टूटी बनेगी। और दूसरी तरफ ये पक रहा है जब तक कि हम ले लेंगे एक बाउल में बर्फ के टुकड़े और बिल्कुल ठंडा सा पानी। अब जब तक कि ये मिक्स हल्का सा ठंडा हो जाए तो यहाँ पे हमने कोई भी पॉलीथीन ले लेना है और इसमें ये मिक्स हम डाल देंगे और हल्का सा उसमें छेद कर देंगे ताकि पतली पतली सेवई बन सके। आप साँचा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ठंडे पानी पे बर्फ पे हमें इस तरीके से लंबी लंबी सेवई बना लेना है। और आपको जल्दी जल्दी करना है, जब तक ये पेस्ट गर्म हो तो बहुत अच्छी बनेगी। पेस्ट एक बार ठंडा हो जाएगा तो इसके बिल्कुल ठिक्के पड़ने लगेंगे। तो इस तरीके से देखिए कितनी सारी फालूदा सेवई बन गई है। तो इसे हमें कुछ देर के लिए ठंडे पानी में पड़े रहने देना है। तो ये हल्के से मैं बस आपको दिखा दूंगी कि कितनी लंबाई में बनी है और ये अभी टूट सकती है। इसे कुछ देर के लिए आपको ठंडे पानी में रहन देना है। तो यहाँ पे हम आपको फालूदा झटपट बनाना दिखाते हैं कि देखिए बिल्कुल बन के सेवई रेडी है। तो यहाँ पे हमने दूध में हल्का सा कस्टर्ड और सब्जी के बीज डाल दिए थे और इस तरीके से हम इसे सर्व करेंगे और डाल देंगे ऊपर से फालूदा सेवई। तो देखिए परफेक्ट बन चुकी है और अब बहुत देर से पानी में है तो ये टूट भी नहीं रही है। तो सारी की सारी सेवई हम इसी फालूदे में डाल देंगे, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और चेरी से या टूटी फ्रूटी से इसे हम गार्निश कर देंगे और ठंडी ठंडी इसे सर्व करेंगे। तो बनके रेडी है हमारी फालूदा सेवई और ठंडा फालूदा। तो गाइस आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।